गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरे कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम परचेज बुक के बारे में पढ़ेंगे कि परचेज बुक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इससे पहले हमने आपको बता दिया था सब्सिडायरी बुक के बारे में। सब्सिडायरी बुक ही थी कैश बुक थी, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और जनरल प्रॉपर बुक। ये आठ टाइप की बुक थी, एट टाइप की बुक थी। तो उसमें पहली जो बुक आ रही है हमारे पास आ रही है परचेज बुक के बारे में पढ़ेंगे। और परचेज बुक का क्या फॉर्मेट है वो आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही है, एग्जांपल के अंदर ही आपको समझा दिया जाएगा। तो परचेज बुक को समझने के लिए आप हमारे एग्जाम्पल को देखें और समझने की कोशिश करें। ध्यान देना, परचेज बुक में उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो ट्रांजेक्शन ओनली क्रेडिट परचेज है, यानी ऐसे लेन देनों को ही रिकॉर्ड किया जाएगा जो उधार खरीदे जाते हैं। अगर नगद खरीदे जाते हैं या कैश ट्रांजेक्शन है उनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक। परचेज बुक बना रहा है और किसी बना रहा है, ऑफ हरचंद इलेक्ट्रिकल जयपुर। हरचंद की है, वो जयपुर में रहता है बिजनेस में। ये रहा 2015 और दिसंबर की बात है। वो किससे परचेज कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है परचेज गुड फ्रॉम राजू इलेक्ट्रिकल स्टोर। राजू इलेक्ट्रिकल स्टोर की दुकान है, वो कहाँ है हमारी चांदपुर जयपुर ऑन क्रेडिट। उससे हमने कह दिया ना, यहाँ पे ध्यान देना ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, उधार माल खरीदा उसने, उधार क्रेडिट परचेज किया है। क्या किया है 1 दिसंबर को, ध्यान देना कैसे सोल्व होगा, पहले क्वेश्चन को टेली करते हैं। 2000 ट्यूबलाइट खरीदी उसने एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, यानी 2000 ट्यूबलाइट उसने परचेज किए 50 के हिसाब से। तो 2000 टेबलेट ट्यूबलाइट का अमाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख। 2000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब। दूसरा है 500 टेबल फैन हम परचेज कर रहे हैं 400 के ईच के हिसाब से, यानी एक टेबल फैन के अमाउंट कितना आ जाएगा 400 रुपीज। तो 500 को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो यह आ जाएगा 2 लाख। अब यह आ रहा है 2000 सीलिंग फैन है, 2000 सीलिंग फैन है, 2000 सीलिंग फैनों की जो कीमत बता रहा है, एक की कीमत, एक की वैल्यू कितनी है 600 रुपए ईच है। तो 2000 की हो गई आपके पास 1,20,000। अब इसके बाद में बता रहा है ट्रेड डिस्काउंट, ये जो माल परचेज किया गया है, माल परचेज किसने किया, हरचंद इलेक्ट्रिकल जयपुर ने परचेज किया, उस पर डिस्काउंट कितने की है 10% की डिस्काउंट है। ध्यान देना डिस्काउंट भी 2 टाइप की होती है, एक कैश डिस्काउंट और एक क्रेडिट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश परचेज एंड फास्टली कैश पेमेंट डिपॉजिट, यानी कैश जो डिस्काउंट होती है वो कैश परचेज करने पर ही डिस्काउंट पे की जाएगी और फास्टली पेमेंट रिसीव करने के लिए पे की जाएगी। और क्रेडिट जो ट्रेड जो डिस्काउंट है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शनों पे ही पे की जाती है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले हम आपको इसका फॉर्मेट बता दें कि परचेज बुक का फॉर्मेट किस प्रकार से आएगा। ध्यान देना यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा परचेज बुक, परचेज बुक ऑफ किसकी चल रही है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन से पहले फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाएगा। परचेज बुक ऑफ किसकी है, यहाँ पे हरचंद इलेक्ट्रिकल जयपुर, हरचंद इलेक्ट्रिकल जयपुर। प्रकार से आपका यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा, ध्यान से देखते जाना इस फॉर्मेट को। पहला जो रो आएगा वो आपका आएगा डेट का रो आएगा, पहला रो किसका आएगा डेट का रो आएगा। दूसरा जो रो है वो आएगा पार्टिकुलर का, पार्टिकुलर का जो रो है जो कॉलम है वो थोड़ा बड़ा आएगा, तो ये आ गया पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स का रो आ गया। फिर उसके बाद में आपके रो आएगा इनवॉइस नंबर का, अगर दिया हुआ है तो उसमें रिकॉर्ड करेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ दिया जाएगा। तो फिर आपके आ गया इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस, इनवॉइस नंबर का आ गया। इनवॉइस नंबर के बाद में हमारे जो रो बनेगा लेदर फोलियो एल एफ का रो बन जाएगा, तो यहाँ दे दिया जाएगा एल एफ लेदर फोलियो।
अब हमारे पास अमाउंट का कॉलम आएगा, यह आएगा अमाउंट, अमाउंट में दो आ जाएगी, ध्यान देना। जो अमाउंट का कॉलम बनेगा ना उसमें दो बन जाएगा, एक तो डिटेल और एक टोटल। अमाउंट में दो बनेगा, एक तो होगी डिटेल, डिटेल और एक टोटल का कॉलम बनेगा। इस प्रकार से ये फॉर्मेट आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। और इस फॉर्मेट में जो परचेज किया जाएगा उसी को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। लास्ट में क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट, डिटेल में जो डिटेल थी वो टोटल में टोटल आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं कि इस क्वेश्चन को यहाँ क्या किस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ध्यान देना ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अब हम जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में डालते हैं। तो ध्यान से देखते जाना, हम यहाँ डेट में लगाएंगे, पहले हमारे पास ईयर आएगा 2015, ठीक है, और डेट आ गई दिसंबर फर्स्ट, फर्स्ट दिसंबर आ गई। तो 15 में किसके पास परचेज करें उसका नाम आ जाएगा, किसके पास परचेज किया जा रहा है, राजू इलेक्ट्रिकल स्टोर, यहाँ नाम आ जाएगा राजू इलेक्ट्रिकल स्टोर, राजू इलेक्ट्रिकल स्टोर का नाम आ गया। यहाँ नाम आते इसमें इनवॉइस नंबर कितना दे रहा है, 75 76, ये इनवॉइस नंबर है, ये बिजनेस नंबर है, जो बिल है, जो आपके पास रिसिप्ट आई है, जो बिल आया है परचेज किया उसका यहाँ पे इनवॉइस नंबर कितना दे दिया, 75। अब आपने क्या क्या परचेज किया एक तारीख को वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जैसे एज इसको ऐसा का ऐसा रिकॉर्ड करना है, ऐसा का ऐसा यहाँ राइट कर दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे ये का ये एक तारीख को है 2000, क्या लिखा है यहाँ, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट्स, ठीक है, कितने रुपए की, एज द रेट 50 ईच, 50 रुपए में परचेज कर ली। तो 2000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ गया कितना आ रहा है, यहाँ पे 2000 को 50 से मल्टीप्लाई करने पे 1 लाख आ रहा है। तो यहाँ लिख दिया हमने 1 लाख लिख दिया हमने। अब आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है यहाँ पे हमारे को, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इस पर ऊपर करते जाएंगे। ध्यान देना यही रो में वापस खींच रहा हूँ, ये डेट का, ये पार्टिकुलर का हो गया, ये इनवॉइस का हो गया, ये एलएफ का हो गया, ये डिटेल और ये टोटल का हो गया। पहला ट्रांजेक्शन कर लिया उसी डेट को, दूसरा ट्रांजेक्शन कितना है, 500 टेबल फैन 400 रुपए के हिसाब से परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 500 टेबल फैन एज द रेट कितने रुपए में, 400 रुपए में ईच। तो 500 को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ जाएगा इनवॉइस नंबर तो वो सेम था ही हमारे पास, एलएफ हमारे पास कुछ नहीं दे रखा था क्वेश्चन में, तो यह आ जाएगा 2 लाख 500 को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद में उसी दिन सेम हमने ये परचेज किया 2000, क्या खरीदे हमने, सीलिंग फैन खरीदी, सीलिंग फैन खरीदी एट द रेट उसकी कीमत कितने की, एक ही 600 ईच की। तो 2000 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,20,000, ध्यान देना 1,20,000। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या दे रखा है इसको हम थोड़ा रख कर देते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ क्या दिखा रखा है, ट्रेड डिस्काउंट दिखा रखा है, ध्यान देना ट्रेड डिस्काउंट टोटल परचेज पे दी जाती है कि फर्स्ट तारीख को, एक तारीख को सिर्फ ये 3 हमने आइटम परचेज किए थे, एक किया था हमने
200 टेबल ट्यूबलाइट परचेज की थी, एक किया था हमने 500 टेबल फैन परचेज किया था, एक किया था हमने 2000 सीलिंग फैन परचेज किया था। अब इनका सबका टोटल कर दिया जाएगा, यहाँ पे ध्यान देते जाना। पहली अमाउंट आई थी 1 लाख, दूसरी आ रही है 2 लाख, तीसरी आ रही है 1 लाख 20,000। तो ये आ गए हमारे पास 4,20,000। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आई है डिटेल की, अभी तक टोटल अमाउंट किया हमने। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेस किया जाएगा। लेस क्या किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको यहाँ पे लेस किया जाएगा। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट दे रखा है यहाँ पे, 10%। बताया आपको कि टोटल पे ट्रेड डिस्काउंट पे किया जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट के सामने ये ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख दिया जाएगा, तो इसके पास कितना आ रहा है 42,000। होल ये आ रहा है 4,20,000 का कितना परसेंट, 10% ही आ गया, 42,000 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने पे जो हमारा जो टोटल, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा, किसमें से 4,20,000 में से 42,000, कहने का मतलब 4,20,000 में से 42,000 को माइनस कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 3,78,000, 3,37,38,000 यहाँ पे टोटल आ गया। अब ध्यान देना, अब इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो जाता है। जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो मंथ के लास्ट डेट रिकॉर्ड कर दी जाती है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डेट को ट्रांजेक्शन था, तो मंथ का लास्ट डेट हमारे पास कौन सी है, कौन सी डेट को आया था, दिसंबर 1 को आया था, तो यहाँ पे दिसंबर 31 आ जाएगा परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज बुक है, तो ये लिखा जाएगा परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट की साइड होती है हमेशा डेबिट साइड, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट में टोटल जो अमाउंट आएगी यहाँ पे, ये अमाउंट आ जाएगी, सारी अमाउंट टोटल हो जाएगी, बट यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे 3,78,000, 3,78,000। इस प्रकार से इसका यहाँ पे टोटल कर दिया गया है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको आज परचेज बुक का जो ट्रांजेक्शन, जो फॉर्मेट, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही जो अदर बुक्स हैं हमारे पास, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनके आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको अदर क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।